नमस्कार साथियों, ब्रेकिंग न्यूज दी पब्लिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं LIC कंपनी के बारे में, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आपने सुना होगा, काफी लोग दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि LIC कंपनी बंद हो जाएगी या LIC कंपनी में आपका पैसा फंस जाएगा। जिस प्रकार से पीछे काफी कंपनियां बंद हो चुकी है, जैसे कि पर्ल्स कंपनी बंद होने के बाद लोग किसी भी कंपनी पर भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी LIC पर लोगों का आज भी भरोसा है। लेकिन जब से LIC के IPO की बात आपने सुनी है या LIC के निजीकरण की बात आपने सुनी है, तो आपके मन में काफ़ी सवाल होता है कि ये IPO क्या है, निजीकरण क्या है। तो आपको पूरी तरह पूरी डिटेल आपको देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक के साथ शेयर कीजिएगा। जी हां, LIC का IPO का मतलब है कि LIC अपना एक हिस्सा जो है आप लोगों को ही बेचती है, यानी हिस्सा किसी कॉरपोरेट को नहीं बेचा जाता, बल्कि IPO के जरिए शेयर बेचे जाते हैं। जैसे कि LIC की 100% लेनदारी में से 10% हिस्सा बेचा जाएगा, जो करीबन 1,00,000 करोड़ का होगा, जिसकी जानकारी भी आपको दूंगा, जिसे शेयर मार्केट के माध्यम से IPO के माध्यम से जो है लाखों बंदे जिसे खरीदेंगे, यानी कोई पर्टिकुलर एक बंदा नहीं खरीदेगा बल्कि लाखों बंदे में शेयर बढ़ जाएगा, और जिससे LIC के अंदर शेयर वैल्यू बढ़ेगी। तो इस चीज़ को निजीकरण नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, ये शेयर मार्केट में एंट्री होगी LIC कंपनी की, जिससे LIC में आपका पैसा, आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अभी तक LIC कंपनी या सर किसी प्राइवेट हाथों में बेची जाएगी, या LIC कंपनी का 50% से ज़्यादा हिस्सा बेचा जाएगा, या LIC कंपनी का पूरा 90% IPO बेचा जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि LIC कंपनी प्राइवेट हो चुकी है। लेकिन 10% हिस्सेदारी में LIC के IPO में प्राइवेट नहीं कहा जा सकता है, LIC कंपनी सरकारी रहेगी। और जहाँ तक अगर मेरी माने तो आने वाले समय तक या जिंदगी भर तक LIC कंपनी सरकारी रहेगी, क्योंकि LIC कंपनी सरकार के लिए घाटे का सौदा नहीं है, सरकार के लिए फायदे का सौदा है। अगर IPO की बात की जाए तो 1,00,000 करोड़ रुपये BPCL की बिक्री से 80,000 करोड़ रुपये प्राप्त होने की उम्मीद बताई गई है। जी हाँ, BPCL और LIC के IPO निकाले गए हैं, और जिसमें से 75 से 80 हज़ार करोड़ रुपये प्राप्त होने की उम्मीद बताई गई है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21/22 का बजट पेश करते हुए घोषणा की कि अगले वित्त वर्ष में पूरा किया जाएगा, और RBI को खुदरा मुद्रास्फीति के लक्ष्य से आगे रखने का लक्ष्य दिया गया है। तो आप लोगों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। किसी प्रकार की जो जानकारी के लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, बने रहिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।